Disclaimer. This channel does not promote any illegal activities. All content provided by this channel is meant only for educational purpose only. नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल क्रिएटिव हार्डवेयर साइंटिस्ट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक हार्ड डिस्क पड़ा हुआ है जो कि डिटेक्ट नहीं हो रहा है, 1 TB का है। तो फिलहाल हम चेक करेंगे इसके अंदर कुछ प्रॉब्लम है कि नहीं है, और अगर नहीं होता है तो रिकवरी करना होगा। लेकिन रिकवरी का वीडियो अभी मतलब सेटअप रेडी हो रहा है लगभग लगभग, तो नॉर्मल रिपेयर करने की कोशिश करेंगे। यहाँ तो नहीं खोलेंगे, और हेड में अगर दिक्कत है तो नहीं होगा अभी। तो फिलहाल हम इसको खोलेंगे। पूरा गंदगी भर चुका है, लेकिन यहाँ देखिए ये पूरा डस्ट आपको मतलब ये जो है जंग लगा हुआ है। ये पूरा गोल्डन कलर का था जो पहले था, अभी ये डस्ट लग चुका है। तो फिलहाल हम चेक करेंगे कि इसके अंदर जो प्रोटेक्शन के लिए डायोड रहता है 5 वोल्ट के लिए और 12 वोल्ट के लिए, ठीक है। तो देखते हैं, उसमें अगर शॉर्ट है तो गुड न्यूज़ है, और अगर शॉर्ट नहीं है तो पता नहीं होगा कि नहीं होगा, लेकिन हम कोशिश करेंगे, क्योंकि कोशिश में ही तो उम्मीद में ही तो चलता है दुनिया। ओके, ये डायोड ठीक है, ये भी ठीक है, शॉर्ट सर्किट नहीं है। तो अभी हम क्या करेंगे ना, जस्ट इसको सोल्डर करेंगे, ठीक है। ये डाटा पिन है, इसमें से एक सप्लाई आते हैं कि इसके अंदर जो हेड है उसको मूव करने के लिए जो सप्लाई होता है वो थोड़ा सा एम्पेयर का होता है, और बाकी जस्ट डाटा ही है, ठीक है। तो मैं आप लोगों को एक बार दिखा देता हूं माइक्रोस्कोप में ये कैसा हो चुका है। एक सेकंड, देखिए पूरा जंग लगा हुआ है। तो फिलहाल मैं इसको क्लीन करूंगा, उसके बाद दिखाऊंगा माइक्रोस्कोप में कैसा लग रहा है, तो आप फुटेज को बैक करके भी देख सकते हैं। तो पहले थोड़ा सा फ्लुक्स ऐड करना होगा, और मेरे ख्याल से ये हो जाना चाहिए ठीक। तो अब आयरन को मैंने 400 डिग्री के करीब सेट किया, और अगर ऐसे करके सोल्डर नहीं हो रहा है तो आपको इसको नाइफ से थोड़ा सा स्क्रैप करना होगा। नहीं हो रहा है सोल्डर, इसमें नहीं लगा पा रहे हूँ, तो इसको थोड़ा सा राब करके देखेंगे। पहले देखता हूँ, नहीं हो रहा है तो हीट को बढ़ा के भी देखना होगा। 500 डिग्री में मैंने सेट किया, अब शायद हो जाएंगे, और थोड़ा सा मैं रेजिन इस्तेमाल कर रहा हूँ इसमें, तो अब ये हो रहा है, देख सकते हैं। और सस्ता वाला जो लोकल आयरन है उससे आप करने की कोशिश करेंगे तो ये कभी सोल्डर नहीं होगा। इस तरीके से सोल्डर करना होगा पूरा, और उसके बाद साफ भी करना होगा, तो मैं करके लौटता हूं। तो देखिए फिलहाल ये जो है सोल्डर हो चुका है, और मैं 500 डिग्री में किया हूँ। थोड़ा सा गड़बड़ है, लेकिन आप इसको चाहे तो क्लीन कर सकते हैं डिसोल्डरिंग विक की मदद से। और इस साइड के रजिस्टर एक निकाल के भाग गए थे, तो मैं उसी जगह पे लगा दिया, ठीक है। तो पहले मैं इसको क्लीन करूँगा। तो अभी जो है इसको
क्लीन कर लेता हूँ। देखिए बिल्कुल साफ हो चुका है। ओके, अब माइक्रोस्कोप के नीचे रख के मैं दिखाता हूँ आपको। देखिए बिल्कुल सोल्डरिंग हो चुका है, और आप चाहे तो ये जो शोल्डर लगा हुआ है इसको आप हटा सकते हैं, लेकिन ये अच्छा क्वालिटी का है तो मैं इसको नहीं हटाऊंगा। अब मैं इसको जैसे था वैसे लगा के चेक करेंगे। ठीक ठाक है, इसमें कोई साफ करने की ज़रूरत नहीं, पहले चेक कर लेते हैं। लेकिन हाँ, इस तरीके का प्रॉब्लम अगर आपके पास रिपेयर हो जाता है, मतलब अगर आपने कर लिया रिपेयर, तो ये दोबारा से प्रॉब्लम होगा। तो अगर इम्पोर्टेंट डाटा है तो जल्दी से उठा लीजिएगा, क्योंकि नहीं तो ये हार्ड डिस्क खुद उठ जाएंगे। अब थोड़ा सा अलाइनमेंट देख लेंगे, ठीक ठाक ही है। अब ये मेरे एक सिस्टम में लगाऊंगा। देखिए मैंने यहाँ पे लगा दिया, और अभी यहाँ पे क्या करेंगे, डिस्क मैनेजमेंट पे क्लिक करेंगे। देखिए मेरा वाला जो है 120 GB का SSD लगा हुआ है, तो अभी यहाँ पे मोर में, मोर एक्शन में जाएंगे, रीस्कैन डिस्क, इसमें क्लिक करेंगे तो डिस्कैन यहाँ पे हो जाएंगे। देखिए अगर नहीं हो रहा है तो दोबारा से करना होगा, क्योंकि मैं चालू सिस्टम में इसको लगाया, तब भी नहीं हो रहा है तो रिस्टार्ट करना पड़ेगा। और जितनी बार फेल हो रहा है मैं तब भी दिखा रहा हूं, क्योंकि ताकि मतलब लोग अगर करते हैं कोशिश तो मतलब डर के रिटर्न ना कर दे, इसीलिए। और ये हार्ड डिस्क दोबारा से ज्यादा दिन नहीं चलेंगे, ठीक है, अगर ठीक हो जाता है तो, क्योंकि ये कुछ ही दिन के अंदर खराब हो जाएंगे, तो डाटा जो इम्पोर्टेंट है वो पहले निकाल के रखना होगा। तो ये नहीं ले रहे हैं, तो मैं दोबारा इसको री इंसर्ट करके देखता हूँ पावर को। लेकिन अभी इसके हेड में जो है कोई भी क्लैश साउंड नहीं आया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए था, ठीक हो जाना चाहिए था। देखिए इंस्टॉलिंग जो है हो रहा है, और देखिए ये आ चुका है, देख सकते हैं आप यहाँ पे WD, देखिए ये आ चुका है और यहाँ पे भी आ चुका है। तो थोड़ा सा वेट करेंगे, और देखिए ये आ रहे हैं, तो मैं इसको क्लोज करते जाऊंगा। और देखिए ये वाला जो है मेरा डिस्क है, और ये जो है देख सकते हैं आप, लेकिन बाकी का नहीं आया, यहाँ पे 350 GB और यहाँ पे 100 GB, इतना ही आया है। लेकिन आप डिस्क मैनेजमेंट में जाके देखिए कितना GB दिखा रहे हैं इसमें, 9, देखिए देखिए अब आ रहा है। ये ड्राइव जो है अभी वो आ चुका है, क्योंकि थोड़ा सा डिले हो रहा था, ये 581 GB आ चुका है, ठीक है, देख सकते हैं ये 931 GB, ठीक है, तो बहुत ही अच्छे से सक्सेस हो चुका है। और मैं अभी इसको यहाँ से यहीं पे रखूंगा और डाटा निकाल के उनको दे दूंगा। देखिए जितना भी था सभी आ चुका है, और जिसका हार्ड डिस्क है मैं उसको बुला लेता हूँ। तो जिनका हार्ड डिस्क, अभी देखिए अभी सब ठीक ठाक है ना, अभी ये ड्राइव आया है, ये इसमें कुछ नहीं है, ये GB नहीं है, MB है, मैं पहले इसको GB सोचा था। और ये है 100 GB का, ये शायद सी ड्राइव है, हाँ सी ड्राइव है, ठीक है, मैं इसको 100 GB, ये MB को GB देखा था, क्योंकि मैं मोबाइल में देख रहा था। तो बाद में अभी उसके बाद एफ ड्राइव आया, जो कि 249 मतलब 250 GB करीब ये आया है, ठीक ठाक है, ठीक ठाक है, ओके। और ये वाला 581 GB,
ओके बताइए कैसे लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है। ये मैंने तो सोचा था कि ये हार्ड डिस्क मेरे को नहीं मिलेगा, लेकिन ये जो साहब है वो सर के पास आके ये मेरे पास ठीक होके आ गया, तो बहुत खुश हूँ मैं। ठीक है, इस खुशी में मटन हो जाए? हो जाए। ओके ठीक है, बहुत बढ़िया। सो गाइस, इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिए हार्ड डिस्क यहाँ पे अभी भी पड़ा हुआ है और यहाँ पे डाटा भी चल रहा है, मतलब बहुत ही अच्छे से चल रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। और आपको फिर से बधाई कि आप लोगों ने एक सक्सेस वर्क देख लिया। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम, लव यू ऑल।